जनपद में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का कार्य चल रहा है। रविवार को बीएलओ बूथ और फील्ड में लोगों से मिलकर आधार कार्ड एकत्र करके गरुण ऐप के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और ऑप्शन के अनुसार फॉर्म 6B को क्लिक करके स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डाल दें, उसे अपडेट कर लें। यह आधार नंबर भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है और आज उसके लिए विशेष तिथि है, अर्थात आज रविवार का दिन है। हमारे बीएलओ बूथ पर भी हैं, फील्ड में भी हैं, लोगों से आधार नंबर एकत्र कर रहे हैं और इस आधार को गरुड़ ऐप के माध्यम से या हमारे वीआरसी के माध्यम से इसको अपडेट करा रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ वोटर हेल्पलाइन ऐप एक एप्लीकेशन है, भारत निर्वाचन आयोग की एप्लीकेशन है, इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और उसमें क्रम से आगे बढ़कर फॉर्म 6B को क्लिक करके और स्वयं ही अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डाल दें। ये जो आधार नंबर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा रहा है, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद सर। जागरूकता की कमी है उन्होंने, उसके लिए क्या? लगातार समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मेरे द्वारा ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको डाला गया। अब आम लोग इसको जान तो रहे हैं, परंतु जैसे समय लगता है थोड़ा सा, लोग अपने आधार दे रहे हैं और इस कार्य को जल्दी ही गति प्रदान किया जा रहा है।